यानी कि एक दामाद चाहिए मेरे को, यानी कि मेरी प्रॉपर्टी देखे, मेरा बिजनेस देखे और सब कुछ यानी कि। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में आप सबके लिए। एक और न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंकल है जो अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, भागकर उस लड़के के साथ भाग गई थी। फिर वो पैसे वगैरह मांगने लगा था, तो इसको फिर वो दो महीने इसको प्रेग्नेंट भी है, तो जो भी इस वो लड़का छोड़कर इसको भाग गया था, वो पैसे मांग लगा था, तो ये वापस भाग गया, उसके साथ नहीं रहना है उसको। तो गाइस यार इस जो भी इस लड़की से शादी करेगा, इसे अंकल की यहाँ पे जो बहुत सारी खेत है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, तो वही चलाना पड़ेगा। घर जमाई मिल जाए तो घर जमाई तो बहुत सही है यार, तो इनको घर में जमाई भी मिल जाए तो सही है, और लड़की तो यहीं पे रहेगी, तो प्रॉपर्टी है बहुत है, सब कुछ है, पैसा वगैरह सब कुछ है। तो जो भी इससे शादी करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर फेसबुक पर जाकर इससे कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो गाइस यार वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पूरा वीडियो देख लेना गाइस यार, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना ताकि इस लड़की की शादी हो जाए। पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, पूरा वीडियो देख लेना गाइस यार, ठीक है। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने बोला है वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे किस टाइप का लड़का चाहिए है। ठीक है, अच्छा होना चाहिए, केयर करने वाला होना चाहिए, मेरे बच्चे को अपने बच्चे के जैसा मानना चाहिए उसे, ऐसा लड़का चाहिए मुझे। संस्कार यानी कि ऐसा हो, यानी कि बच्चा बहुत लायक हो वो, हाँ। और मेरी तरफ से कोई कमी नहीं उसको, हाँ, मेरे पापा उसे नहीं समझ, कोई कमी नहीं, मेरी प्रॉपर्टी देखे, मेरा बिजनेस देखे और सब कुछ, यानी कि घर जमाई बन गया। घर देखो ये वो नेचुरल ही है, मैं बेटी मेरे पास लेगी तो घर जवाई तो बनेगा ही बनेगा, तो नेचुरल है वो, तो उसमें यानी कि इसकी यानी कि पूरी देखभाल करे, इस बच्चे की यानी कि पूरी परवरिश करे, ठीक है जी। कोई भी लड़का हो जो कि गरीब से गरीब भी होगा चलेगा, और जैसे कि उन्होंने कहा कि वो घर जवाई बनाएंगे, कोई भी लड़का है तो प्लीज इनसे। तो गाइस यार कोई भी बेरोजगार फिर रहा हो तो इस लड़की से शादी कर ले, दो महीने में क्या होता है, बिजनेस हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आप पैसे वाले भी हो जाओगे, बेरोजगार हो तो कुछ भी नहीं है, तो भी शादी कर लेना इससे, ठीक है।